नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तराखंड में लगातार सड़क दुर्घटनाओं के चलते बढ़ती घटनाओं और उनकी रोकथाम के लिए राज्य के पुलिस विभाग द्वारा देहरादून में रोड सेफ्टी सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी सहित तमाम स्कूली बच्चे, आमजन और संबंधित विभाग अधिकारी द्वारा विचार आदान प्रदान कर लगातार सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए मंथन किया गया। रोड सेफ्टी सेमिनार में कार्यक्रम राज्य के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने गंभीरता से चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश में बढ़ती सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार संबंधित विभागों को दिशा निर्देश भी दिए। कई बार इसमें चार हुआ है, मंत्रिमंडलीय समूह जिसमें राय ली गई है, उसके बाद नहीं हुआ है। उम्मीद है, अभी तो उम्मीद कायम है। मैंने कहा नहीं कि अभी सुधार के काफ़ी गुंजाइश है सर। जब आप करिए, आप और बसों की फिटनेस होना अत्यंत आवश्यक है। इसके मैंने कहा नहीं, बेतरती बसें फिटनेस का न होना, लापरवाही, नशा और शराब का सेवन और डिवाइडर बेवजह डिवाइडर का होना, तो ये तमाम बातें हैं, इस पर हमें विचार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम स्टोरी, देहरादून।